करते हम प्रतिदिन से तेरा गुणगान। सत्य है नाम तेरा अमताई सारे जहां, सत्य है नाम तेरा हम बताए सारे जहां। जगत है यह तेरा प्रभु तू ही सबसे महान, जगत है यह तेरा प्रभु तू ही सबसे महान। आए हैं दिल तेरा हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम प्रतिदिन से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, पुनः ख्रिस्त में इस पवित्र युक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेने के लिए हमें बुलाते हैं और इस मिस बलिदान में भाग लेकर के हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। और शहीदों का त्यौहार हम मनाते हैं इसलिए कि वे अपने प्राण ईश्वर के लिए दे दिए, और मीसा बलिदान में हम इस त्यौहार को मनाते हैं कि ईश्वर ने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। ईश्वर ना सिर्फ अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान किए, लेकिन ये कुर्बानी हमें जीवन का संचार करता है। आइए हम उस प्रभु के साथ इस मीस बलिदान में जुड़ जाएं जो हमें जीवन का संचार करता है। हम जीवित हो जाएं, सजीव हो जाएं और यीशु की भांति दूसरों को जीवन दे पाए। हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे ताकि इस मीस बलिदान में योग रीति से भाग ले पाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करे, हे ईश्वर तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सर तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और होंठों पर हो ताकि अब योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी हगाई का ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या 1-8 तक। मंदिर फिर बनाओ, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष के 6 महीने में प्रथम दिन नबी हगाई के माध्यम से शअल्तीएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरूबाबेल और यूसादाक के पुत्र प्रधान याजक यूशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनः निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हगाए के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह अच्छा दित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के प्रभु अपने राजा का जय जयकार करे। अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि योहन मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में विश्वासी
भाई और बहनों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इन पंक्तियों पर। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्त नहीं मिलती है। तुम पीते हो किंतु तुम्हारे पास तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। क्या हमारी स्थिति भी यही है? क्या प्रभु हमसे कहते हैं कि हम हमारी स्थिति पर विचार करें? अवश्य। पाठ का संदर्भ है, आज का पाठ नबी हगायक के ग्रंथ से लिया गया है और ये बाबुल के निर्वासन के बाद के नबी हैं और संदर्भ है मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। लोग निराश हो जाते थे, दिशा खो देते थे, स्वार्थी हो जाते थे और उनके जीवन में कॉम्प्लेसेंसी जैसे भावना आ जाती थी और उनमें सही दृष्टिकोण, प्राथमिकता की कमी भी आ रही थी। और ये इस स्थिति से प्रतीत होता है कि लोग स्वार्थी होकर के अपने स्वार्थ की सेवा, अपनी अपनी मकान बना रहे थे लेकिन प्रभु का घर ऐसे ही बिगड़ा, टूटा, अधूरा था। कुछ दिन पहले मैं एक कॉलोनी से होकर के गुजर रहा था और मुझे यही दृश्य देखने को मिला। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं आधुनिक स्टाइल में, लेकिन सबसे पुराना स्टाइल में है और देखने लायक नहीं बिल्डिंग के तौर पर। पेंट चला गया था और वो था मंदिर। प्रिय भाई और बहनों, नबी हगाई के द्वारा तत्कालीन अपने श्रोताओं को और तत्कालीन राजाओं को आह्वान करके कहते हैं कि सही दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है। ना सिर्फ सही दृष्टिकोण, और सही दृष्टिकोण हमारे मूल्यों पर आधारित हो जो हमें हमारे जीवन में चुनने के लिए और कार्य करने के लिए प्राथमिकता देता है। प्राथमिकता किस बात को, किसके लिए, कब अति जरूरी है? क्या ईश्वर की सेवा, ईश्वर की पूजा तब हम करते हैं जब हमारे पास कुछ दूसरा कुछ करने का है नहीं, या ईश्वर की सेवा या पूजा टाइम पास के लिए? प्रिय भाई और बहनों, नबी हगाई के द्वारा हमें यही प्रश्न पूछा जाता है। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। बोते तो बहुत ज़्यादा, लूनते बहुत कम, कमाते तो बहुत ज़्यादा लेकिन फटे हुए थैली पर डालते। हम बाइबल के एक्लेसियास्टस किताब के तहत कह सकते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ। सही दिशा तब हमें मिलती है जब हम अपनी नज़र, सही प्राथमिकता हमें तब मिल पाता है जब हमारी नज़र, हमारे फोकस ईश्वर की ओर हम लगाए रहते हैं। सुसमाचार के द्वारा प्रभु वचन हमें आमंत्रित करता है। आज के इस सुसमाचार के नायक हेरोद, शायद उसको हम नायक नहीं कहेंगे, खलनायक, सही मायने में नायक ईसा मसीह। हेरोद खूंखर राजा था, अपने आप में इनसिक्योर, असुरक्षितता का महसूस करता था। यीशु के बारे में तमाम अच्छी बातें वह सुना था और उन्हें कभी कभी लगता था कि बपतिस्ता के जैसे, एलियस के जैसे या पुराने नबियों की तरह। उनमें बस चाह थी, उनमें बस उत्सुकता थी सही मायने में
यीशु को वो अपनाना नहीं चाहता था, उनकी आवाज़ सुनना चाहता था लेकिन संदेश सुनना नहीं चाहता था, उनको देखना चाहता था लेकिन उनके मूल्यों के आधार पर वह जीना नहीं चाहता था। लेकिन वह वही प्रश्न पूछ रहे थे, ये कौन है? और उन्हें वो बात सता दी थी कि उन्होंने यूहन बपतिस्ता का कत्ल करवाया था। तो जो गलत काम या सच्चाई हम जितना भी भूलने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा भूलने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में उपस्थित रहेगा और हमारे दिमाग को, हमारे जीवन को चुपते रहेगा। प्रिय भाई और बहनों, हेरोद के जैसे हम उत्सुकता यीशु को देखने के लिए, उसको अपनाने के लिए और उसके शिक्षा पर चलने के लिए हम उत्सुक बने रहें, लेकिन प्रभु के पीछे और उनका अनुसरण करने के लिए प्रभु से हम कृपा मांगें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम सदा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कार द्वारा प्राप्त भी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तू सब कुछ का निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की।
इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याचकों को विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को सिद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे
उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। दादा के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद वचन। हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों को पूरा करने में सदा दृढ़ बना रहूं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है, कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पथ पर हम बढ़े।